ऐसा नेता के सुनल जा ताकि समाज बदल के लिए स्वार्थ से ऊपर उठ के कोनो भी अच्छा काम कर सके। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्धिस्ट सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम में अगली बाटी राज कैमरा पर्सन शंकर के साथ में ते कार्यक्रम आप हरेक सोम के और हरेक अतवार के इतने समय से देख सकल जा, जिनमें हमारे के कोनो भी समाज में विकृति बा ओके हमारे कैसे हटाए और हमारे के कोनो भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे के लिए का करे पड़ी तमाने हमारे विशेष समय बेच कल जात और कोनो भी क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त कर व्यक्ति बाटे और वहाँ से हमारे अंतर्वार्ता यानी कि प्रत्यक्ष सहभागी करा के वहाँ से विचार भी आदान प्रदान कल जात और हमारे कार्यक्रम में तमाने विषय जोड़ल जाओ जैसे अब कृषि कहा जाए या राजनीति कहा जा या कोनो भी विषय हमारे जोड़ सकल जाए शिक्षा के विषय हमारे जोड़ सकल जात और अक्सर कह के आज हमारे राजनीति जो कि राजनीति के चहल पहल बढ़ते जात बा। एना अगहन 4 गते यानी कि मंगसिर 4 गते चुनाव हमारे के चुनाव के माहौल अब धीरे धीरे बढ़ते जात बा। इस विषय में हमारे आज चर्चा करे अति अभी कार्यक्रम के अवधि भर साथ राज्य कैसे आप सबके साथ नीति कार्यक्रम सफल हो नहीं सकी अति आज हमारे लग कार्यक्रम में सहभागी बाटी एक हमारे इतना गरी कि हमारे एक उम्मीदवार कही सकल जी और जो कि आज हमारे लग बाटे रेखा प्रसाद चौधरी वहाँ राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी रूपंदी क्षेत्र नंबर 1 प्रदेश सभा सदस्य के प्रत्यक्ष उम्मीदवार होने हमारे वहाँ से रह के आज बातचीत कल जी ते सबसे पहले कार्यक्रम में हमारे वहाँ की स्वागत कल जी कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। धन्यवाद। अति अगहन 4 गते होना जो निर्वाचन बा और जो कलिया भर के आपके उम्मीदवारी दर्ता भल ते ये चुनावी माहौल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जात बा और जो आप उम्मीदवारी दल गल ते आपकी उम्मीदवारी का है। धन्यवाद राज सर। उम्मीदवारी काहे कैले के एक प्रश्न कैल गया तो हमन के देखल जा नेपाल में आज तक जौन किस्म के हमन के विभिन्न किस्म के राजनीतिक दल यहाँ 32 वर्ष से हमन के ऊपर बारम्बार उ लोग के हमन के जितायत आयल गए लेकिन उ लोग आज देश हमन के कहाँ पुरे ने एक लिए कि देश बचाओ और देश जगाओ के स्थिति में जब तक हमन के युवा लोग राजनीति में ना आए तब तक हमन के देश जौन स्थिति में आज भ्रष्टाचार में ऋण में जौन डूबल बा एक लिए हमन के हमार उम्मीदवारी हो या ई उम्मीदवारी के लिए अब देश में जौन किस्म के भ्रष्टाचार होता एक नियंत्रण करे के लिए प्लस ई हमन के युवा जब तक हमन के राजनीति में ना आए के तब तक हमन के देश हमन के ऊपर ना आए। आज देखल जा कि नेपाल में जौन बड़ा दल के राजनीति लोग बाटे उ लोग युवा लोगन के चांस नहीं देने आज बारम्बार वह आपके बुआ पुस्तक के जौन बाबा पुस्तक के उम्मीदवार लोग बाटे बारम्बार वह लोग पावन है लेकिन हम जौन राष्ट्र जनमुक्ति पार्टी से उम्मीदवारी दिले बाटी राष्ट्र जनमुक्ति पार्टी के विचार और सिद्धांत का हो कि अगर देश बनाए बा तो युवा लोगन के आगे बढ़ाए पड़ा जब तक युवा लोग आगे नहीं बढ़िए तब तक हमन के देश में कोनो किस्म के प्रगति नहीं कर पाए। आ देखल जा युवा लोग भी हमन के कहा बाटे कि अगर देश बनाए बा तो युवा लोग आए चाहें लेकिन जब चुनाव आ वाला तो युवा लोग विभिन्न किस्म के प्रलोभन में फंस जाने फिर वह पुराना पुस्तक के नेता लोग के जितावन है एक लिए हमन के विभिन्न किस्म के प्रलोभन में न फंस के एक विकासशील युवा नेता के हमन के रोजाई कल जा रोजल जा जब तक हमन के युवा नहीं रोजल जाए तब तक हमन के युवा के कल्याण नहीं बा एक लिए हमार उम्मीदवारी राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी रूपंदेही क्षेत्र नंबर 1 खास सेवा। कौन एजेंडा लेके चुनावी मैदान में उतरल जाता चुनावी मैदान में उतर ले के खास कारण का हो कि हमन के जौन समाज में विभिन्न किस्म के विभेद विसंगति जौन नेपाल में होए वाला जौन यहाँ के हमन के खास कहल जाते हैं यहाँ के किसान लोग अधिकतर बाटे किसान लोगन के समय में कोनो चीज़ नहीं मिला था अगर किसान लोग समय से उ लोग मल बीऊ खाद पानी पावे तो उ लोग अपन
मतलब अपन बेरोजगारी के आगे बढ़ा सकन। लेकिन आज हमन के देश में देखल जाए तो कोनो किस्म के सरकार सुविधा नहीं दे बा। आज देखल जा बेमौसमी पानी पड़ा था, बेमौसमी पानी पड़े के कारण कि हमन के विभिन्न किस्म के यहाँ बेमौसमी खेती जोन करल जाता एक भी समय से हमन के सिंचाई नहीं बा, समय से कहीं हमन के मतलब सामान हमन के जो उत्पादन कर ओकर बाजारीकरण नहीं बा। आज देखल जा हमन के किसान लोग, किसान दाजू भाई दीदी बहन लोग परेशान बाटे। आज आज ये जो मौसम खराबी के कारण अगर ये समय से अगर बारिश हो तो हमन के एक किस्म के उकल, लेकिन जो इस समय से पानी नहीं पड़ा था एक समय से अगर हमन के भी अब गाँव में व्यवस्थित अगर करल जाए तो हमन के समय से जो धान पाकल बा के हमन के बढ़िया से व्यवस्थित कर सकल जाला। एक व्यवस्थित करे के लिए एक सरकार के एटू व्यवस्था मिलाए पड़ी। जब तक सरकार व्यवस्था ना मिले तब तक हमन के कोनो किस्म के आगे काम नहीं बढ़ा पाए के। आज देखल जा जौन चुनावी मैदान बा, चुनावी मैदान में विभिन्न किस्म के घोषणा पत्र चार पन्ना पाँच पन्ना लेके आवन है, लेकिन वो घोषणा पत्र में वो लोग एक बूदा भी काम नहीं करन है। लेकिन हमार घोषणा पत्र ज़्यादा लंबा नहीं बा, हमारा छोटा घोषणा पत्र बा, लेकिन ये कार्यवन हमार अपन प्रतिबद्धता लेके आयल बाटी। ये हमार प्रतिबद्धता हम ये 27 गते के बाद चुनावी मैदान में जब ये घोषणा पत्र संपूर्ण साथी भाई दीदी बहन के साथ में रखा है, घोषणा पत्र अलग अगर वो लोग मन पर रही हैं तो राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी खास के रेखा प्रसाद चौधरी के जीते हैं। ते जोन आपके पार्टी बा और अन्य पार्टी से जोन बड़ा पार्टी बा वो पार्टी से गठबंधन के लिए बा कि अगले चुनाव लड़त बा? राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी कौनो पार्टी से गठबंधन 79 साल के चुनाव में नहीं बा। पार्टी के दरवाजा खुलल बा, पार्टी गठबंधन के तो अब समय नहीं रह गए, लेकिन अब कोनो पार्टी आई सहकार कई हमन के लड़ सकल जाला। लेकिन आज जो बड़ा पार्टी कहा जाता बड़ा पार्टी के हैसियत उ लोग के देखल गए कि उ लोग सिर्फ एक सत्ता कुर्सी बचाए के लिए गठबंधन के लिए बटे। ये गठबंधन तो चुनाव के बाद भी हो सकत रहे आज, लेकिन उ लोग कुर्सी बचाए के लिए गठबंधन के लिए बटे। जब तक ये लोग एक एक बार कमती में ये सब जितना राजनीतिक दल बाटे सिंगल लड़के ते देखें उ लोग के हैसियत मालूम चल जाए कि हमन के कितना पानी में बाटिल जा। लेकिन आज देखल जा नेपाल में जो बारम्बार पार्टी जीता, दो चार पार्टी जीता आवा था लगातार निरंतर 2047 साल के बाद दू या चार पार्टी आयल प्लस मधेसी दल भी गए, लेकिन मधेसी दल में भी आज सत्ता स्वार्थ के लिए वो खाली गठबंधन कुर्सी बचैले के चक्कर में बा। और ये हैवी वेट कहे के नेता आज कोनो नहीं रह गए कि इन पार्टी के हमन के हैवी वेट के नेता लोगन के बारम्बार देख भैल गए। आज इन पार्टी के अंदर कोनो युवा पूछता ना आयल बा, वह बारम्बार पुराना युवा पुराना युवा नेता लोग आवत हटे। एक लिए आज हमन के कौन ये पार्टी के हमन के ना कह सकल जाला कि ई हैवी वेट हो, ई हैवी वेट बदले नहीं बा। नेपाल में देखल जात अगर ये गठबंधन अगर ये लोग ना करे तो कहीं कोनो क्षेत्र में जीते के हैसियत नहीं बा लोग के। एक लिए हमन के ई हैवी वोट है कहकर हमने नहीं मानल जी। जैसे आज ये लोग कोनो किस्म के बूदा लेके आव जनता के माज नहीं जा सकन, काहे कि बारम्बार ये लोग जो बूदा लेके गए गए ना अब सब झूठा आश्वासन है। वो झूठा आश्वासन कोनो किस्म के पूरा नहीं कहने कि राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी ऐसा पार्टी हो कि आज सत्ता में नहीं पहुँचल बा तब पर लगातार निरंतर अपन मांग मुद्दा अपन ढेर विश्वास लेके आगे बढ़त बा। एक लिए राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी कोनो हैवी वेट के नेता हो कह के नहीं मानला। अवश्य जो हैवी वेटी नेता कहल गया ते अपने आप के जो हैवी नेता यानी कि वेटी नेता कहल वाला नेता बाटी ओकान से चुनावी मैदान में उतरल जाता ते इतना गरी कैसन महसूस कर जाता यानी कि जो हैवी नेता बाटी यानी कि वेटी नेता बाटी अपने आप के जो कहनात बाटी ओखान से चुनावी मैदान में उतरल जाता अखाड़ा में उतरल जाता चुनावी अखाड़ा में ते जीत जा कहकर आपके कितना विश्वास बा? हैवी वेट वो लोग के हमारे कैसे मानल जा? हैवी वेट तो बनाए वाला यहाँ के नागरिक जनता होने। अब हैवी वेट
हमन के जब देखल गए कि हैवीवेट अगर नेता होने तो बारम्बार अगर हैवीवेट नेता रहते तो घरे बैठ के चुनाव जीतते। आज चुनाव में घर घर फिर विगत के जैसे घर घर हाथ गोड़ जोड़े के समस्या नहीं आवत। आज वो लोग कोनो काम नहीं कहने। आज देखल जाए नेपाल में आज 32 वर्ष 2047 के बाद 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष में 29 पटक प्रधानमंत्री लोग बने, लेकिन आज कोनो 2 वर्ष लगातार कोनो यहाँ के प्रधानमंत्री लोग लगातार सरकार संचालन नहीं कर पैलस। एक लिए हमन के ये लोग के कैसे हैवीवेट नेता मानल जा। एक लिए अब जनता परिवर्तन हो, जनता परिवर्तन चाहता। जनता परिवर्तन में अभी गठबंधन के सरकार के नेता हैवीवेट कह के इन्हन के जरूर सत्ता से बाहर करी हैं। यहमें नया युवा नया पीढ़ी के पूछता लोग के नेता लोग आई हैं, जबकि कोनो विश्वास नहीं कह सकल कि आज कौन पार्टी के नेता आयल कि ओकर हमन के देखल गए समाचार में सुनल भी गए कि कोनो अगर नेता आवत है तो यही नेपाल के देखल जाए तो कौन नेता आयल थे नेता नहीं कौन चोर आयल कह के ओके कही हैं। लेकिन ऐसा हमन के नहीं कहा जाए कि हमन के अंदर भी हमन के समुदाय में भी हमन के माज में भी कोनो युवा अगर आवा तो ओके अगर चांस दिया जाए कह के। आज जनता लोग वो पुरान नेता से अजीत पीड़ित होके अब युवा युवा चाहे कह के तो युवा चाहे कह के तो अब हमन के युवा बाटिल जा युवन के चांस दिया जा। जब तक युवा के चांस नहीं दिया जाए आप सब वह पुराना सोच में रह जाए तब तक हमन के नेपाल कबो नहीं परिवर्तन नेपाल कबो बचा नहीं पावल जाए नेपाल के हमें विकास नहीं कह पावल जाए। जौन स्थानीय तह के चुनाव रहे या प्रदेश है केंद्र तह के चुनाव अलग किस्म के चुनाव हो। स्थानीय तह के चुनाव खास करके विकास विकास के लिए वो लोग नेता चुनल रहने, लेकिन ये प्रदेश या केंद्र के चुनाव जो होता नीति नियम निर्माण के लिए हमन के जाए जी। एक लिए अब यहाँ फ्रेश माइंड के जो नेता लोग बाटे वो लोग जाइए कि नहीं वह पुराना पूछता जो बारम्बार पटक पटक जीत गए आज उन्होंने का कहले। आज वो नेता लोगन के आज जनता लोग बाहर करी हैं। 2079 मनसिर 4 गते वो लोग के बाद वो लोग नज़र नहीं आई हैं। अतः आपके जो है विश्वास बाकी जी सबके की यानी कि निर्वाचित हो सबके के अति आपकी जितना आधार का बा एक बार पूर्ण विश्वास बा जीते के आधार हमन के बहुत किस्म के बा। जीते का आधार का बा कि हम निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 खा से लड़त बाटी। हमार निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 खा हमन के राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के हमन के कार्य समिति सक्रिय क्रियाशील सदस्य लगभग 35 से 4 हज़ार बाटे। 35 से 4 हज़ार क्रियाशील सदस्य बाटे तो जीते का आधार तो बहुत बा। प्लस और जौन यहाँ गठबंधन के उम्मीदवार के पार्टी के अंदर जौन नेता नहीं पहले बा वो आज हमन के वोट दे। आज देखल जा तो MLA कांग्रेस माओवादी ये आपस में जो लड़ाई चला था इन्हन के जो टिकट नहीं पहले वो एकदम बेखुश होके रिसिया के बैठल बा कि आज हमन के उ पार्टी में आज इतना वर्ष लगल गए बखिन हमन के पार्टी के उ लोग नेता नहीं चुन पैने। लेकिन हमारे जीते का आधार ये हो कि हमन के जनमुक्ति पार्टी के तिलोत्तमा नगर में हमन के संगठन बा। प्लस हमन के नीचे रोहिणी ओम सतिया देवदा में हमन के लगभग लगभग हरेक वार्ड में संगठन बा। एक लिए हम इस चुनाव नहीं लड़ब कह के, लेकिन यहाँ के युवा लोग कहने नहीं चुनाव चाहे जैसे लड़े पर आज युवा नहीं रहले के नाते आज हमन के बेरोजगार भैल बाटिल जा। अब ई अगर युवा लावल जाए तो हमन के युवन के रोजगारी दे हमन के पार्टी के जीते का आधार कहा जा। तब हमन के पार्टी के शुरू से ही धारणा बा कि बेरोजगार युवा के रोजगारी के हमन के एठू अवसर दिया जा। तो आज देखल जा बेलहिया में आपके 52 बीघा में विशेष आर्थिक क्षेत्र बा, वहाँ में हमन के विभिन्न किस्म के कल कारखाना फैक्ट्री लगा के यहाँ के युवा लोगन के हमन के रोजगारी दे सकल जाला। आ विशेष हमन के कहा बा कि जौन हमन के ई रूपंदेही क्षेत्र नंबर 1 में हमन के शिक्षा क्षेत्र में अगर हमन के पीछे बाटिल जाए एक शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाए के लिए हमन के स्थानीय तह के जौन स्थानीय सरकारी स्कूल बा ओके हमन के व्यवस्थित कर ले जाए के। आ जौन हमन के कि यहाँ
विकास कैले बाटी कह के देखावन तो आज देखल जाए विकास आज ई रोडे भर के विकास ना होला, विकास आज गांव गांव में जाल जाए तो आज बारिश होता, बारिश में जाए के स्थिति नहीं बा। आज देखल जाए क्षेत्र नंबर एक रोहिणी में रोहिणी जाए जाए तो आप कहल जाए हमन के कौन ही बैकवर्ड एरिया में आ गए कि आज यहाँ विकास के नज़र नहीं पहुँचल बा, जबकि उन्हीं के नेता लोग बारम्बार जीत के गए न, संसद भी जीत के गए न, आज वो संसद लोग कहाँ बाटे, आज फिर वह संसद लोग आप सबके सामने आवाते तो कहा फिर वो संसद के वो लोग वोट दिए नहीं दिए हैं, एक लिए हमारे जीते के आधार बहुत किस्म के बा। ते विषय अब हमन के चुनावी सब चुनाव निचरा जला जो जनता बाटी जनता के माझ जो नेता बाटी हर एक पार्टी के नेता बाटी उखान के गोट ढोगी अपने आप के जो कहिए कि बिहान चुनाव जीतने के बाद ऐसा कह देवे कि विश्वास दे हैं ते आप जो जनता बाटी बकिन का अब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी देख चुकल बाटी जो पुराने नेता बाटे उस सब भी अब एक बार ना हो कि हमन के दोबारा तिबारा भी चुनाव जीता के उस सबके पठाल गए, फिर भी जब चुनाव जीत जी हैं ते वो जो वोटर बाटे अपन वोटर के घर दिलो ते बात छोड़ल जा वो एरिया में बेना यही है विकास के ते नामो निशान नहीं रहला ते आप जो वोटर बाटे यानी कि जनता बाटे उखन के घर दिलो में का चीज कह के उखन के विश्वास दिल जाता। अब अमन के घर दिलो कार्यक्रम कहत के अमन के स्थानीय हो जाला, स्थानीय तरीका से अमन के काम करल जाए। आज देखल जा विभिन्न लोग जीत के अने उ जनता के मन जीत के उ ना जीतल बाटे, उ जनता के माज गईने तो एक टू सिर्फ भ्रष्टाचार किस्म के जो पैसा रखले हैं उ पैसा बाँट के वहाँ के युवा लोगन के दारू मासु रक्सी दुनिया भर खिया के जो जीत के गए तो जौन अगर पार्टी के नेता ई विभिन्न किस्म के प्रलोभन जिनसी सामान अगर बाँट के जाए तो पहले बार उ नेता तो अपन लगानी उठाए के सोची, लेकिन आज के स्थिति जौन बा आज के स्थिति में ई जनता लोग भी अब कुछ सचेत हो गए बाटे कि हमन के बारम्बार उ नेता के जिता के गए गए उ नेता आज तक हमन के गांव घर में ना आए, गांव घर में ना आए तो कारण का हो कि हमन के समाज में कुछ ऐसन एजेंट लोग बाटे कि आप इतना यहाँ डोनेशन कर दिया जा आपके पूरा वोट यहाँ कन्फर्म हुआ, लेकिन आज उ एजेंट के लोगन के भी वहाँ के जनता देख लालस उ लोग के स्थिति का हो काहे उ मांगा देते पैसा, लेकिन अब जनता सचेत भी हो पड़ल, जनता जब तक सचेत नहीं हुई तब तक हमन के बारम्बार यहाँ हमन के नेता के जिताएल जाए या उ नेता जीत के जाए कबो ही हमन के क्षेत्र में ना आई, जबकि आज देखल जाए इतना क्षेत्र में तो हमन के विकास के क्रम में तो एकदम आगे बढ़ जाए चाहिए, लेकिन आज हमन के विकास ना भैले के कारण का हो कि वास्तव में हमन के जनता ही कुछ हमन के कमी कमजोरी बा, एक लिए हमन के कमी कमजोरी के ओकर नस जौन पकड़ लेला नेता ओकरे नाते आज उ नेता उ कमी कमजोरी पकड़ ले रहा कई बार नया वाला यहाँ विभिन्न किस्म के प्रलोभन दिखाए जाला कि आवा, लेकिन नेपाल में कौबो नहीं हमन के यहाँ के जनता लोग कहना कि तू जीत के जेबा का हो का करवा, लेकिन एक हम फ्रेश माइंडेड बाटी कि यहाँ हमन के हवा पानी यहाँ के बस्ती हमन के देखल जाता है कि इस बस्ती में का चाहिए हमन के उ किस्म के यहाँ हमन के पूर्ण करल जाए, एक लिए हमन के चुनाव में जाल जाता और चुनाव में हमन के आशा विश्वास बा कि जनता हमन के वोट दे, जबकि जनता तो हर हमेशा दूसरे के वोट दे दिहत आयल बा, लेकिन एकदम जनता हमन के भी चांस मौका दे, एक खातिर हमन के अब जनता के माथ जाल जाए। देश में जो बेरोजगारी की समस्या बा अब लाखों जो व्यक्ति बाटे युवा बाटी जो कि एक टू सचिगुड़ी स्तर से आगे बाटी फिर भी काम ना पाके विदेश जा के बाध्य बाटी और कितना तो अब एकदम छोट मोट काम कर रहा बाटी, अब हमारे कह सकल जी कि अब जो हमारे के समसामयिक विषय में चर्चा करत कि हमारे ये बात भी हमारे उठान करे पड़ी, अब जैसे डिग्री पढ़ल जो युवा बाटी उस सब म्यादी में भर्ती होत बाटी 40,000 42,000 के लिए, फिर भी जो नेता बाटी
अब कितना ते 7-8-9 पढ़ले बाटे यानी कि 10 क्लास से कम ही पढ़ले बाटे हमारे ज़्यादा नेता नेपाल के कही सकल जी, फिर भी ओखन के घोट ढोके के लिए जो बैचलर और डिग्री पढ़ल युवा बाटे म्यादी में भर्ती होत बाटे ते ई बेरोजगारी की समस्या हल करे के लिए कौन ऐसा एजेंडा नहीं बनाने के लिए बात था कि आप निर्वाचित होने के बाद जो बेरोजगारी समस्या बा जो व्यक्ति जो युवा विदेश जाए बाध्य बाटे ओखन के खर्तिन नेपाली में ऐसा रोजगारी के सृजन करे नहीं सोच रखल गया। एक लिए हमन के बेरोजगार युवा के लिए हमन के स्वरोजगार हमन के वो एठू नीति भी बा। आज हमन के नेपाल में देखल जा विभिन्न किस्म के कल कारखाना रहे, लेकिन आज कल कारखाना फैक्ट्री आज धाराशाही भैले के कारण का हो। आज यहीं देखल जा सुनवल मिल रहे, यहीं धागू कारखाना रहे, आज ध्वस्त बनाए वाला के हो। यह अब जौन हमन के कहा जला यहाँ के बड़ा पार्टी हो, वह पार्टी नहीं हो। आज वो पार्टी यहाँ बुटवल दागो धागो कारखाना रहे, बुटवल दागो धागो कारखाना में आज देखा जाए तो 25 से 3 हज़ार युवा यहाँ के जनता लोग यहाँ के युवा लोग रोजगारी पैल है। लेकिन आज देखा जा नेपाल सरकार के पैसा न भैल बुटवल दागो धागो कारखाना के स्थिति का हुआ। एक जबकि बुटवल धागो कारखाना में अगर 25 से 3 हज़ार युवा लोग नौकरी पावत है, आज देखा जा भिरकुटी कारखाना नहीं हुआ। आज नेपाल में देखा जा आज विद्यार्थी लोगन के किताब छापे के वो लोग कागज नहीं हुआ। तो आज हमन के बारम्बार नेता के जिताइल गए, लेकिन ये लोग का कहने आज जिम्मेवार पद में जो यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री जैसन व्यक्ति कहने कि नेपाल में हमन के बांग्लादेश हुए वाला बा, जिम्मेवार पद में बैठे वाला व्यक्ति देश के स्थिति अनुसार बात वो लोग आखिर जीत के गए न तो कहीं न का। एक लिए अब हमन के जौन नेपाल में विभिन्न किस्म के चरम भ्रष्टाचार बा, चरम भ्रष्टाचार रोके के लिए जब तक युवा पुस्ता ना आए तब तक हमन के नेपाल कब्बो नहीं प्रगति कर पाई। एक लिए देश बचाओ देश जगाओ के नारा के लिए हमन के युवा आए पड़ल। आज देखल जा हमन के विभिन्न संघ संस्था में रहल गए, लेकिन विभिन्न संघ संस्था टिकट नहीं दिला, लास्ट में हमन के राजनीतिक दल पकड़े पड़ल। राजनीतिक दल नेपाल में बहुत किस्म के राजनीतिक दल बा, लेकिन ओकर घोषणा पत्र का हो, ओकर घोषणा पत्र में अगर उ चीज ना आए तो हमन के उ राजनीतिक दल में हमन के रह के कौनो फायदा नहीं बा। आज देखल जा नेपाल में जौन पार्टी जीत के जाता ओकर पार्टी के वोटर एकदम वोट बैंक हो जाला कहा जाला, उ पार्टी में रह के एक उ पार्टी में रहत भी उ पार्टी में अपने समुदाय के हक अधिकार के बारे में आवाज़ ना उठा पावला। बाहर तो देखल जे बड़ा बड़ा किस्म के बात करी हैं, लेकिन जब पार्टी के बैठक हुई वहाँ में कोनो किस्म के हक अधिकार के बारे में ना ही बात कर रहे हैं। एक लिए आज जब तक हमन के समाज में जब तक हमन के यहाँ वोटर के हमन के दिल दिमाग में कि हमन के एक फ्रेश दिमाग वाला ना आए तब तक हमन के नेपाल कबो ने आगे बढ़ी। आज देखल जा प्रत्येक नेपाली के ऊपर 58,000 रुपया कर्जा बा, जबकि अरब मलेशिया सिंगापुर वहाँ के बच्चा जन्माला तो लाखों करोड़ों के मालिक होला, लेकिन नेपाल में अगर बच्चा जन्माता तो वो ऋणी एक कर्जदार होके जन्माता। ई कर्जदार बनाए वाला के होने यह 3-4 राजनीति बड़ा राजनीति दल वाले पार्टी वाले होने के नहीं होने। एक लिए अब ई राजनीति दल के लिए अब हमन के एक 2079 मंशी 4 गते ई राजनीति दल के हमन के कौन आधार से हमन के वोट दिया जा। आज ई राजनीति दल के वोट दिए देत देत हमन के बुढ़ा गेल गए, लेकिन अब जौन युवा पुस्ता बाटे उ लोग के सोचे पड़ल कि हमन के कौन पार्टी के झंडा बोकल जाता, कौन पार्टी के हमन के डंडा बोकल गए, कौन पार्टी के हमन के घोषणा पत्र पढ़ल गए कि आज हमन के ई तरीका से आज नेपाल के स्थिति देखा था 6 महीने के अंदर लाखों युवा लोग बाहर जाते हैं।
लाखों युवा बाहर जाके रोके के कारण अब कौन हमन के उपाय देखल जाए कि नेपाल में हमन के कोनो किस्म के फैक्ट्री कारखाना खोल के हमन के नेपाल में स्वरोजगार दिए के एक प्रतिबद्धता करल जा। एक खातिर हमन के संपूर्ण यहाँ के आम जन समुदाय आमा दीदी भाई बहनी लोग हमन के हाथे मालो नहीं करल जाए तब तक फिर जौन बड़ा राजनीति कहा जाला अंक गणितीय के हिसाब से ये लोग बड़ा तो बाटे लेकिन विचार और सिद्धांत के हिसाब से ये लोग कब्बो नहीं ऊपर आई ने। ऐसे हमरे हमन के समाज में तमाने से विकृति बा हमरे एक बात जौन कह चुकल बाटी की बेरोजगारी की समस्या अब युवा बाटी बैचलर डिग्री कहीं के भी एकदम छोट मोट काम के बाध्य बाटी या विदेश जाए बाध्य बाटी अब बाहरी जाए के लिए फिर अब हर एक जोन भाषा पढ़े के बाध्य बाटी हमारे की इंग्लिश भाषा कहल जा और आल्स कहल जा हमारे की पीटी कहल जा या जापानीज कोरियन भाषा पढ़ के जाए बाध्य बाटी नेपाल में रोजगारी के सृजना न भैले से ओकर बाहिक के जो हमारे की समाज में एकदम हमारे की समाज झगड़त जाते बा विकृति में अब हमरे कहा जा कि जो हमन की समाज में पहले पहले अब कैसनो घर रहे फिर घर से भी लड़का लड़की के ब्याह करते रहने अब आजकल देखा जाते एटू हमन की फैशन हो चुकल बा पार्टी पैलेस में शादी करने ते अब वैसे ये एक विकृति हो खर्च बढ़ते जात बा और अब लड़की लोगन पढ़त बाटे फिर लड़का लोगन बाटे कम पढ़त बाटे हमन की एक समाज में तुलना कर जीते हर एक समुदाय के जो व्यक्ति बाटे फिर भी अब वह जो लड़का बाटें बाहर जाके दो चार पैसा कमी हैं और जो है बैचलर डिग्री का लड़की बाटे उन से शादी करके भी डिमांड रखी हमन के इतना पैसा चाहिए पार्टी पुलिस में ब्याह करे पर हेन तेन खाले कहा के मतलब कि हमन के ब्याह करके भी लाखों पैसा खर्च हो चुका तो विकृति हटा के लिए भी कोनो ऐसा आपके एजेंडा नहीं बा कि हमन के समाज की जो विकृति बा अब धीरे धीरे न्यूनीकरण होते जाए। न्यूनीकरण करे के लिए तो हमन के अपने से शुरुआत करे पड़ी। आज देखल जा तो हमन के कोनो भी कार्यक्रम में जाल जाला तो हमन के अपने फैशनेबल हो जाल जाला लेकिन फैशनेबल के प्रोत्साहन उत्साह दिए वाला की बा। आज हमन के जौन किस्म के बेरोजगार बाटिल जा आज हमन के विदेश में जाल जाला आ कहल गया हमन के विभिन्न किस्म के अंग्रेजी भाषा आ मलेशिया भाषा आ कोरियन भाषा जापानी भाषा हमन के सीखल जाला लेकिन हमन के अपने भाषा नहीं सीखल जाला हमन के अपने भाषा लोप होत बा। आज देखल जा हमन के भाषा लोप भैले के कारण हमन के विभिन्न किस्म के हमन के दुख पावल जाता। आज जौन समुदाय के भाषा ओकर सरकारी कामकाजी के भाषा बा उ समुदाय आगे बा। हमन के भाषा के संबंध में कहल जा तो हमन के जौन नेपाल में बोले वाला 125 जाति के 123 भाषा हो अगर 123 भाषा में हमन के सरकारी कामकाजी के भाषा रही और सहजीकरण हो जाए हमन के लेकिन अपन भाषा में हमन के कोनो अपन लेख रचना भी नहीं कह सकल जाला। और कहल गए कि हमन के डिग्री कैल वाले जौन डिग्री होल्डर वाले अब बैचलर करे वाले जौन कहल गए कि यहाँ म्यादी प्रहरी में भरना होत बटे तो नेपाल सरकार बेरोजगार कैले के नाते उ थोड़ा से भी काहे ना हो कह के हमन के दो चार पैसा एक महीना में आ जाए एकरे लिए लेकिन आज वह जौन म्यादी प्रहरी में भरना होत बटे उ लोग के लड़का लड़की भी लोग ना सोच पावत बटे कि आखिर हमन के बेरोजगारी भैल काहे बाटिल जा। आज हमन के राजनीति में न पहुँचले के नाते हमन के बेरोजगारी भैल बाटिल जा। आज हमन के कोनो किस्म के अगर हमन के काम करल जाता तो बिना राजनीति पहुँच नहीं बा तो कोनो काम नहीं हुई। आज एठू सामान्य एठू पुलिस प्रशासन में निवेदन लिखा के ले जाए बा तो वहाँ कोनो राजनीतिक आदमी नहीं पकड़ल जाए तो हमन के निवेदन नहीं तैयार हुई निवेदन नहीं वहाँ दर्ता हुई। लेकिन नेपाल में सिस्टम बैठ जाए कि बिना राजनीतिक व्यक्ति पकड़े के बावजूद भी अगर वो काम होता तब हमन के समझल जाए नेपाल में कि हाँ कि राजनीति सही बा। आज राजनीति बिगड़ल बा बिगड़ने के कारण हमन के राजनीति जगह पहुँच नहीं बा वो कोनो किस्म के ओकर नहीं काम हो। आज देखल जा राजनीति हमन के कोनो किस्म के यहाँ नेपाल में रोजगारी कल कारखाना खोलल जा
तो उ कल कारखाना बंद करे के लिए राजनीति के दबाव वाला राजनीतिक दबाव आई, विभिन्न किस्म के उसे चंदा मांगे, वो चंदा नहीं दे पाई, ओके विभिन्न किस्म के कर लगा के ओके हमन के वो कंपनी घाराशाही बना दिया जा। और नेपाल में कर देखल जा तो इतना आसमान छू ले बा कि एठू मरल आदमी के भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ओके कर दिए पड़ाला, एठू जन्मत तो हु कर दिए पड़ाला। लेकिन राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी का के कहन कहावा कि अगर नेपाल में जौन भ्रष्टाचार भइल बा उ भ्रष्टाचार के अगर पैसा हमन के कलेक्शन करल जा तो हमन के कोनो किस्म के कर नहीं तिले पड़ी, हमन के कोनो किस्म के हमन के कर्जा नहीं लिए पड़ी। आज हमन के देखल जा नेपाल में जौन युवा लोग के दिमाग पढ़ाई में बा वहाँ सरकार कबूल लगानी नहीं कराला। अगर उ अगर कोनो जहनदार विद्यार्थी बा अगर ओके निर्ब्याजी रूप में हमन के पैसा लगानी करल जा तो उ लड़का पढ़े के आगे बढ़ी। आज नेपाल के युवा लोग जौन विदेश चल जाते थे उ नेपाल आए के सोच भी नहीं रखा था, कहीं नेपाल में भइल का ही, जबकि विदेश के आदमी नेपाल आए के लिए इच्छुक रहला कि भगवान गौतम बुद्ध के जन्मभूमि लुम्बनी जाइल जा। लेकिन आज नेपाल के युवा लोग जौन विदेश पहुँच जाते थे कोरिया जापान हांगकांग पहुँच जाते थे उ नेपाल आए के नाम नहीं लेते बाटे। काहे नाम नहीं लेते थे कि नेपाल में कोनो किस्म के जाके यहाँ कि नेपाल में जाइल जा वहाँ कोनो किस्म कल कारखाना फैक्ट्री खोलल जा ओकर माहौल नहीं बा। ये माहौल बनाए के लिए हमन के राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के सहकार के आगे जब तक नहीं बढ़ल जाए तब तक हमन के कोनो किस्म के रोजगारी के अवसर नहीं मिली। आज देखल जा हमन के नेपाल में जितना भी कल कारखाना रहे उ सब राजनीतिकरण कह के उ फैक्ट्री धराशायी हो गई। एक खातिर आज हमन के जब तक नेपाल में हरेक निकाय में सामान्य सामान्य आदमी यहाँ के नागरिक के जब तक पहुँच नहीं रही तब तक हमन के कोनो किस्म के आगे हमन के बात नहीं बढ़ा पावल जी। कार्यक्रम में आप अमूल्य समय दल गिल आपके हृदय से धन्यवाद देख जा जाता। धन्यवाद आपके भी, हमें दो चार शब्द ई बुद्ध टेलीविजन संस्कृति शो में हमें अपन विचार रखे के अवसर दे दिए गए, एक लिए बुद्ध टेलीविजन के संपूर्ण सहकार साथी और उनके धन्यवाद देते ठीक। ऐसे इतने करी हमारे बात चित्र कर गए और राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के जो उनकी उम्मीदवार बाटी रूपंदेही क्षेत्र नंबर एक ख विधायक यानी कि प्रदेश सभा सदस्य के प्रत्यक्ष उम्मीदवार रेखा प्रसाद चौधरी हमारे वहाँ से लेके बातचीत करते विद्यालय में हो गल बा। ते फिर अंतिम में हमारे कहे चल जाता हमारे सही व्यक्ति के चिन्ह जाता ताकि हमन के समाज के मोड़ दे सके यानी कि हमन के समाज के परिवर्तन कह सके। और इसने आज के कैमरा पर्सन शंकर उन्हें के विशेष धन्यवाद और कार्यक्रम देखल गल बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन कार्यक्रम संस्कृति सर्वर हृदय से धन्यवाद। और फिर हम जाति जाति कहे चाहब कि हमन के जो एना अगहन चार गति के निर्वाचन बा हमारे सही व्यक्ति के पहचान कह के वोट दहल जा वहाँ के हमारे मत दहल जा ताकि मन की समाज के कुछ नया मोड़ दे सके। ये कथम संचालक राजवी विधायक साहब नमस्ते।